हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, फाइनली आरआरबी पीओ के दोनों दिनों के आठों शिफ्ट अब कंप्लीट हो चुके हैं और अब हम तैयार हैं बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस करने के लिए। देखो, डे वन कंप्लीट होने के बाद काफी सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे कि सर आपने डे वन का एनालिसिस क्यों नहीं करा। बिकॉज देखो बच्चा, प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी एक एग्जामिनेशन ना एक से ज्यादा शिफ्ट में होता है तो उसका ना कट ऑफ डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, गुड अटेम्प्ट डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ नॉर्मलाइजेशन आ जाता है जिसकी वजह से कट ऑफ बहुत ऊपर नीचे होता है। तो इस वजह से जब तक सारी शिफ्ट कंप्लीट नहीं हो जाती अब एक एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई कट ऑफ या गुड अटेम्प्ट किस रेंज में रहने चाहिए। तो अब जब सारी शिफ्ट्स हो चुकी हैं, हमने सारा एनालिसिस ले लिया है, अब बहुत ही डिटेल में बात करते हैं कि भाई किस तरीके का एग्जामिनेशन आया था। देखो, इस बार का आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दोनों ने ही बहुत सारे सरप्राइजेस दिए हैं बच्चों को। बिकॉज जहां क्लर्क में बच्चे लगातार परेशान हुए कि भाई लेवल बहुत ऊपर आया एग्जामिनेशन का, इस बार ये सेम चीज आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन में भी हुई। भाई एग्जामिनेशन का लेवल आपका इजी टू मॉडरेट रहा, या बोलूं तो मोटा मोटा आप लोग बोल सकते हैं मॉडरेट एग्जामिनेशन आया अगर हम पिछले कुछ सालों के आरआरबी पीओ के एग्जामिनेशन से कंपेयर करें तो। ठीक है, अब देखो अगर डे वन और डे टू, मतलब पहले दिन और दूसरे दिन की चारों शिफ्ट को अगर कंपेयर करें तो एक चीज जो कॉमन थी वो ये कि भाई दोनों ही दिन जो हमारा क्वांट का सेक्शन था वो आया बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव, और जो उसमें काफी कुछ जो होता है डीआई वाला पार्ट है, अरिथमेटिक वाला पार्ट, वो इतना ज्यादा लेंदी आया कि बच्चों के अटेम्प्ट्स बहुत कम हुए। और अगर रीजनिंग की बात करें तो देखो रीजनिंग भी बिल्कुल बहुत ज्यादा मक्खन होता है ना, बिल्कुल उतना ईजी नहीं आया। बिकॉज इसमें जो हमारा मिसलिनियस वाला पार्ट था ना उसने हमें सरप्राइज कर दिया। भाई कई शिफ्ट ऐसे थे जिसमें ब्लड रिलेशन मुश्किल आ गया, किसी शिफ्ट में इनइक्विलिटीज मुश्किल आ गया, किसी शिफ्ट में कोडिंग डिकोडिंग मुश्किल आ गया, किसी में सिलोजिज्म मुश्किल आ गया। मतलब देखो हम तैयारी करके जाते हैं कि पजल्स मुश्किल आएंगे, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि आज हमारे मिसलिनियस वाला पार्ट मुश्किल आ गया। इस वजह से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो रीजनिंग में भी 35 के ऊपर अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो एक एवरेज में बात करें तो मैक्सिमम बच्चों के वो 50 से 55 या 60 के बीच में अभी तक के नंबर ऑफ अटेम्प्ट रहे हैं। ठीक है, देखो इस बार एक नई चीज और क्या हुई। देखो जनरली क्या होता है पिछले जितने भी सालों में कि जितने भी हम लोग पोल्स कंडक्ट करते हैं या कुछ भी अगर बच्चे से स्कोर पूछते हैं ना तो उसमें हायर एंड पे नंबर ऑफ बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। भाई फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि 60 प्लस बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं या 65 प्लस वाले बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, पर इस बार ना उल्टा हुआ है। इस बार जो नीचे वाला जो स्लैब है ना उसमें बच्चे बहुत ज्यादा है, भाई 45 वाली रेंज में या 50 वाली रेंज में या 55 वाली रेंज में बच्चे बहुत ज्यादा है। तो इस बार देखो आप ये तो मान के चल सकते हो कि लास्ट ईयर की तरह ही आपका कट ऑफ पिछले कुछ सालों से तो कम होने वाला है। ठीक है, देखो गुड अटेम्प्ट्स की बात कर ले तो देखो सबसे पहले क्वांट की बात करें तो क्वांट सबसे पहले कैलकुलेटिव था, क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी आए थे और लेंथी आए थे। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, देखो मेजर बात करें तो जो हमारा स्पीड मैथ वाला पार्ट होता है उसमें क्वाड्रेटिक वाला पोर्शन बहुत इजी था, वो मैक्सिमम बच्चों ने 5 के 5 क्वेश्चन जल्दी से मार्क करे। मेन प्रॉब्लम आया बच्चों को सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में, बिकॉज अगेन ये कैलकुलेटिव आया तो बच्चे 5 क्वेश्चन बहुत ही कम बच्चे कर पाए। ठीक है, और अगर किसी ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे भी तो उसको टाइम बहुत लग गया, 3-4 मिनट लग गया उसको 5 क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, इसके बाद मेन जो हमारी गाड़ी फंसी वो है भाई नंबर सीरीज, बिकॉज नंबर सीरीज मैक्सिमम शिफ्ट में आया है इस बार रॉन्ग नंबर सीरीज। और ये मान के चलो कि जिस भी बच्चे ने हमारी क्लासेस को फॉलो नहीं करा, या जो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि भाई रॉन्ग नंबर सीरीज में एक तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, भाई आप एक क्वेश्चन को लो 10 से 15 सेकंड उस क्वेश्चन को देखो, अगर वो क्वेश्चन समझ आ रहा है, पैटर्न समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन छोड़ो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत गलती करी है रॉन्ग नंबर सीरीज में स्पेशली, और इसकी वजह से ना उन्होंने 3-4-5-5 मिनट तक भी बच्चों ने वेस्ट करे और क्वेश्चन उनसे 2 या 3 बन पाए। तो रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत बच्चे फंसे, इसकी वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कम हुए। इसके बाद बात करें तो डीआई, देखो डीआई में मेजर जो डीआई है, मतलब पाई चार्ट हो गया, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, ये सारे इजी आए, मतलब इजी टू मॉडरेट बोलूंगा, बट मेन जो हमारी गाड़ी फंसी ना वो डे वन में केसलेट डीआई में और डे टू में पाई चार्ट में। भाई ये दोनों चीजें बहुत मुश्किल आई, और डे वन में तो देखो जो भी बच्चा केसलेट में फंसा मैक्सिमम बच्चों के अटेम्प्ट्स बहुत कम है। भाई कई सारे बच्चे ऐसे मैं देख रहा हूँ जो केसलेट में और रॉन्ग नंबर सीरीज में इतना ज्यादा फंस गए कि उनके अटेम्प्ट 20 से भी कम है, 20 से कम अटेम्प्ट करके आए हैं। तो देखो अगर 20 से कम अटेम्प्ट है ना, मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारी गलतियां करी हैं, और ऐसी गलतियां करी हैं जो आपको हम बार बार बताते हैं कि भाई इनसे बचना है, या अवॉइडेबल मिस्टेक्स होते हैं जिनको आप अवॉइड कर सकते हो, आप लोग वो गलती करके आए हो, इस वजह से आपके 20 से कम अटेम्प्ट्स हुए हैं। ऑल इन ऑल पेपर मॉडरेट आया था क्वांट का, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए भाई, एक पर्टिकुलर रेंज की बात करें तो अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्वांट में 25 के ऊपर है, 25 प्लस आप अगर अटेम्प्ट करके आए हो तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। बट स्टिल अगर आपको लगता है कि भाई आपका शिफ्ट में क्वांट बहुत ही मुश्किल आया था तो स्टिल आपके 22 प्लस अटेम्प्ट होने चाहिए, अगर आप इस बार श्योर शॉट होना चाहते हो कि भाई आरआरबी पीओ तो हमारा निकलने वाला है। तो अगर आपके 22 प्लस अटेम्प्ट है, 22 प्लस अटेम्प्ट है और आपकी एक्यूरेसी बहुत फाड़ है तो इस बार आपके एग्जामिनेशन निकलने के चांसेस हैं।
ये बात हो गई क्वांट की। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो रीजनिंग में बोलूंगा मोटा मोटा इजी आया, मैक्सिमम शिफ्ट्स में इजी था, कुछ शिफ्ट्स में इजी टू मॉडरेट था बिकॉज मिसलेनियस वाले पार्ट ने हमें धोखा दे दिया। किसी शिफ्ट में कुछ मुश्किल था, किसी शिफ्ट में कुछ मुश्किल था, ऑल इन ऑल, बट मैक्सिमम शिफ्ट की रीजनिंग एकदम से बराबर ही आई है। ठीक है, देखो रीजनिंग में बात करें तो मिसलेनियस वाले पोर्शन में सारे क्वेश्चन बच्चे नहीं बना पाए भाई, किसी से कुछ नहीं बना, किसी और से कुछ नहीं बना, तो ऑल इन ऑल पजल्स देखे, पजल्स सारे एवरेज टाइप के आए थे, जितने मतलब कोई भी नए पैटर्न का पजल नहीं आया, जो आप ऑलरेडी मॉक टेस्ट में करते आ रहे हो उसी लेवल का पजल आया था। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है, आज प्रॉब्लम यही, आप लोगों को एक रियलिटी चेक ये मिला। देखो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो ये बोलते हैं ना इजी वाला मॉक टेस्ट सीरीज लगाते हैं, भाई आरआरबी पीओ है, आरआरबी क्लर्क है, तो इजी लेवल की तैयारी ज्यादा करो, ये वाली मॉक टेस्ट सीरीज ले लेते हैं या ये वाली मॉक टेस्ट सीरीज ले लेते हैं, इसमें तो इजी लेवल के बिल्कुल एग्जाम लेवल के आते हैं। तो भाई इस बार आपको समझ आएगा कि भाई इजी वाली मॉक टेस्ट सीरीज आपको इसी टाइम पे धोखा देती है जब एग्जामिनर एग्जाम का लेवल थोड़ा भी बढ़ा देता है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि चाहे आप लोग एक इजी वाली मॉक टेस्ट सीरीज फॉलो करो, बट एटलीस्ट उसके साथ एक मॉडरेट या हाई लेवल मॉक टेस्ट सीरीज भी लगाते रहा करो, जिससे इस लेवल के जो एग्जामिनेशन होते हैं जो एकदम से धोखा दे देते हैं उसके लिए भी आपकी तैयारी बनी रहे। देखो इस बार के एग्जामिनेशन में भी वही हुआ, लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन में वही हुआ था कि एग्जाम इजी की मॉडरेट चला गया। अब जैसे ही मॉडरेट चला जाता है जो इजी वाले तैयारी वाले बच्चे होते हैं वो फड़फड़ाने लग जाते हैं, या होता है ना उनके दिमाग नहीं चलते यार इतना मुश्किल पेपर अब मैं कैसे करूंगा। तैयारी अगर हाई लेवल के मॉक टेस्ट से लगाई होती तो भाई ये प्रॉब्लम कभी नहीं आती। ठीक है, देखो रीजनिंग की बात करते हैं, रीजनिंग में मैक्सिमम बच्चों ने 30+ अटेम्प्ट्स करे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 27-28 की रेंज में फंस गए, बट मेजॉरिटी की बात करें तो 30+ अटेम्प्ट्स बच्चे करके आए, और इसी वजह से रीजनिंग के आप लोगों के गुड अटेम्प्ट 30+ ही रहने वाले हैं। ठीक है, मतलब मोटा मोटा अगर एग्जामिनेशन के गुड अटेम्प्ट्स की बात करें तो देखो क्वांट में आपके 22 से 25 होने चाहिए गुड अटेम्प्ट्स, और रीजनिंग में 30+। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो अगर आपके ओवरऑल अटेम्प्ट्स 52 से लेके 55 या इससे ज्यादा हैं तो भाई आप लोग मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी चालू कर दो, बिकॉज इस बार कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाला है। मतलब 52 से 55 या इससे ऊपर आपके अटेम्प्ट्स हैं और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, तो भाई बिल्कुल आप लोग को मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी चालू कर देनी चाहिए। बट इसी के साथ अगर आपको लगता है कि 50+ आपके अटेम्प्ट्स हैं तो भी मैं बोलूंगा कि आप लोगों को मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी चालू कर देनी चाहिए, बिकॉज देखो अलग अलग शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुए हैं तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे गेम करेगा, तो 50+ वाले सारे बच्चे मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी चालू कर दो। ठीक है, अब देखो कट ऑफ की बात करें, देखो एग्जैक्ट कट ऑफ कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता इस एग्जामिनेशन का, फिर भी देखो लास्ट ईयर के मुकाबले देखें तो एग्जामिनेशन का लेवल लास्ट ईयर जैसा ही था, तो कट ऑफ वही मानकर चलो 50 के आसपास ही रहेगा भाई, 51 हो सकता है या 49 हो सकता है, मतलब 50+-2 नंबर कर लो उसके आसपास ही आपका सारे स्टेट्स का कट ऑफ रहने वाला है। तो इस वजह से अगर आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट 50 या उससे ज्यादा है, एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, तो आप लोग मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी चालू कर दो। अगर आप लोग को मेंस की स्ट्रैटेजी चाहिए तो मुझे नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, तो हम जल्दी से जल्दी आरआरबी के लिए मेंस एग्जामिनेशन की स्ट्रैटेजी भी लेके आएंगे। इसी के साथ गाइज हम अपने चैनल पर एक बिल्कुल नई फुल सिलेबस का एक नया बैच चालू करने वाले हैं, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग वो बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं नहीं, और किस दिन से हमें वो बैच को चालू कर देना चाहिए। सो गाइज ये हमारा पूरा एनालिसिस है आरआरबी पीओ को लेके, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप इसे मैक्सिमम बच्चे आज के एनालिसिस से बिल्कुल सेटिस्फाई होंगे, बिकॉज ये बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी वाला एनालिसिस रहेगा। सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।